नमस्कार जी, मैं मंजू। कल मैंने गार्डन में क्या और काम किया तो ये मैं बताऊंगी। कि मेरे भाई बहन पूछते हैं कि सर्दियों के बारे में भी बताएं, कैसी तैयारी चल रही है कैसी नहीं। तो ये भी मेरी सर्दियों की तैयारी ही चल रही है। इस पे मैं आज अभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि सर्दियों के लिए मेरे गार्डन में कौन कौन से सीड्स आए हैं। जैसे मैं हमेशा ही लगाती हूँ वही सीड्स हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ नए भी हैं। और इसके अलावा मैंने क्या जो काम किया है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे गार्डन में जितने भी जो पॉट्स आए, तो नीचे वाले गार्डन में भी मेरे पास खूब सारे पॉट्स हैं, ऊपर वाले गार्डन में भी आपने देखे ही होंगे, तो मंगवाती रहती हूँ। फिर भी मुझे हर बार इनकी कमी खलती ही रहती है। तो विंटर में तो हमारे बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं और इतनी सारी पौध तैयार हो जाती है। मैं तो घर पे पौध तैयार करना पसंद करती हूँ, फिर जितने ज़्यादा पॉट्स हों तो वो सब के सब भर जाते हैं। तो कम से कम कई जो फूल हमें बहुत पसंद होते हैं तो उनके हम फिर ज़्यादा जो पौधे हैं गमलों में लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ गमले के बारे में। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था दूसरे चैनल पे, अपने न्यू चैनल पे मंजू नेचर लवर पे। तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि बड़े ही आसानी से हम गमले कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये कल रात को मैंने खूब सारे पॉट्स तैयार किए हैं, और सीमेंट का तो आपको पता ही है, जैसे कि आप बनाते हो चाहे तीन तसले जो है आप बारीक सैंड ले लें और एक तसला उसमें सीमेंट मिला सकते हैं, चाहे चार तसले सैंड की ले लें और एक तसला सीमेंट का मिला सकते हैं, जैसे आप मजबूती से बनाना चाहें। ज़्यादा मजबूत बनाना चाहें तो हाफ हाफ भी बना सकते हैं। और जो मिस्त्री लोग ईंटों को जोड़ने के लिए जो उनका रहता है अनुपात रहता है, तो वो चार तसले सैंड लेते हैं और एक तसला इसका सीमेंट का लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी ले लें। तो ये मैंने बनाए हैं, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, दूर से तो ये अच्छे से नहीं दिख रहा अभी क्योंकि ये सूखा नहीं है। तो मुझे वीडियो बना के आपको दिखाना था, इसलिए मैंने बताया कि विंटर में मैंने क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह का पॉट, तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं इस तरह के हैंगिंग पॉट वो ऊटी से लेकर मेरे लिए आए थे। अभी मैं शॉपिंग वाला वीडियो बनाऊँगी थोड़ी देर में, वो भी बनाऊँगी। तो इसमें मैंने क्या किया, पूरा ऑयल लगा लिया, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से लगा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये ऑयल लगा हुआ दिख रहा होगा, शाइन कर रहा है नीचे। तो इस तरह से अच्छे से लगा लेना है, कोई सा भी ऑयल लगा लेना है। और सीमेंट का तो मैंने बता ही दिया आपको कि ना बहुत पतला करना है और जैसे कि अच्छे से आ जाए। तो उसके बाद हम इस पर कोई ये, क्योंकि इसमें होल्स बने हुए हैं, ड्रेनेज होल बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसमें एक हल्की सी मैंने शीट डाल दी थी, पॉली शीट थोड़ी सी डाल दी थी ताकि ये सीमेंट हमारा चुट के नीचे ना आए, बस इसी हिस्से में। और बेस जितना मोटा रखना है उतनी लेयर सीमेंट की डाल दो। और उसके बाद क्या करना है, ये जैसे एक ये सेम पॉट में मैंने ये डाला हुआ है, तो ऐसे शीट लगा दी और ये डिब्बा, इसमें मेरे ये बालसम का प्लांट भी लगा हुआ है और ये गिल्ला है अभी। अगर गिल्ले को हम निकालेंगे फोर्सफुली तो फिर ये क्रैक, इसमें ऐसे क्रैक आ जाते हैं, फिर वो मजबूती नहीं रहती। और जैसे ये सीमेंट लगा हुआ, ये सॉरी ऑयल लगा है, तो ये देखिए ये ऐसे पकड़ अपनी ये हटा देता है गमले से, ये दिख रहा है आपको, ईजिली ये निकल जाते हैं। तो ये फिर धीरे धीरे जो डिब्बा है, फिर ये भारी जो डिब्बा रखना है ये ऐसे, जब आप बेस नीचे डाल लेते हो जितना भी मोटा आपको डालना है डाल लिया, उसके बाद ऐसे भारी चीज़ डिब्बा ये शीट चढ़ा के रख लिया, और इस तरह से शीट चढ़ा के रख लिया। फिर इसको ये भी मैंने निकाल दिया, इसको बस धीरे धीरे ऐसे राउंड राउंड में घुमाना है। तो ये मैंने कैमरा पकड़ा है, हाथ में मैं बताती हूँ आपको। तो इसको भी मैं ये हल्के से निकाल चुकी हूँ, तो अभी बल्कि निकालने की जल्दबाजी ना करिए, अभी वो थोड़ा ये नीचे तक था, बस ऐसे ऐसे राउंड राउंड में मैं घुमाया ऐसे ऐसे, तो ये आ गया। तो अभी गिल्ला है ये पॉट हमारा इस तरह से, तो इस तरह से ये पूरा ऐसे। और जब ये थोड़ा सूख जाए तो इसमें आप हल्के से स्क्रू ड्राइवर से, बिल्कुल ज़्यादा सूखने का इंतज़ार ना करें, हल्के से नीचे ड्रेनेज होल आप दे सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने पॉट को तो इस तरह से ये शीट निकाल लेनी है, और उसके बाद सीमेंट बना के बाद में आप जो यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं ये इसके निशान पड़ गए हैं, तो उनको आप भर भी सकते हो। और जब अच्छे से सूख जाए तो फिर इसमें थोड़ा हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है,
हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से होल कर सकते हैं। तो मैंने 5 बनाए हैं, एक ये बनाया है, एक बकेट में बनाया है, इसमें ये निकालूंगी, एक ये बता ही दिया और एक ये है, ये भारी चीज़ ऊपर रख दी है इसके, और एक ये और एक ये। तो ये मेरी विंटर की तैयारियाँ। तो ये जैसे मैंने बनाए हुए हैं, इस पर ये लगाए हुए हैं, ये भी मैंने खुद का बड़े सालों पहले का बनाया हुआ, बड़े मजबूत होते हैं, ये टूटने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल, और अच्छे होते हैं। तो इसमें देखिए ये मैंने लगाया, कितना सुंदर लगा, छोटे छोटे गमलों में ये लग जाते हैं फूल। ये वाला ये देख रहे हैं आप, मैक्सिकन पिटूनिया, इस तरह से ये भी मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो वीडियो बना के दिखाया था आपको। तो फिनिशिंग देना चाहते हैं, जब ये अच्छे से सूख गया तो फिर बाद में सीमेंट से दे सकते हैं, और ऑयल लगाते हैं तो उससे तो ज़्यादा अच्छे से निकल आते हैं। ये एक में ये एलोवेरा लगा हुआ है, ये भी मैंने खुद बनाया हुआ, बड़े मजबूत होते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब देखा आपने, ये सीमेंट पॉट घर पे तैयार करना बड़ा ही आसान है, ईजिली तैयार हो जाते हैं। तो मेरी इस तरह से कुछ विंटर की तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी मैं अब अगला वीडियो बनाऊँगी, फिर बातचीत करूँगी इस बारे में। नमस्ते जी, शुक्रिया।